शर्मा और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फॉक्स चैनल। ओके सो आज हम डिस्कस करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लोहारा डायनेस्टी। लोहारा डायनेस्टी से पहले हमने अभी तक डिस्कस किया कारकोटा डायनेस्टी देन उत्पाल डायनेस्टी देन लोहारा डायनेस्टी। इन बिटवीन वी आल्सो डिस्कस दैट इज गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी में हमने डिस्कस किया था क्वीन दिद्दा के बारे में। ओके सो लेट अस स्टार्ट। सो लोहारा डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट रूलर्स एंड पर्सनैलिटीज कौन कौन सी हैं? सबसे इम्पोर्टेंट जो है दैट इज संग्राम राजा। संग्राम राजा वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, इसको हम डिटेल में करेंगे। देन देर इज अ कलश, अनदर इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। देन हर्षा, अगेन देर इज वेरी इन फेमस, आप बोल सकते हो, ठीक है, इन फेमस हर्ष। वट ही डिड, ही डिमोलिश लॉट ऑफ टेम्पल्स, बहुत सारे टेम्पल्स इसे डिमोलिश किए। दिस हर्ष इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज। हर्षवर्धन कन्नौज का वो अलग से रूलर था। ओके देन दलूचा, दलूचा वॉज अगेन एन इन्वेडर फ्रॉम सेंट्रल एशिया। दलूचा क्रिएटेड एनार्की विच लेड टू द राइज ऑफ रिंचन। रिंचन वॉज बेसिकली फ्रॉम लद्दाख, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम किंग हु कन्वर्टेड रिंचन, दैट इज बुलबुल शाह। बुलबुल शाह वॉज अ सूफी सेंट ऑफ सोहरावर्दी सिलसिला। ओके सोहरावर्दी सिलसिला वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंड देन रानी कोटा रानी, कोटा रानी वॉज द फीमेल रूलर ऑफ कश्मीर। शी वॉज ऑल्सो द लास्ट रूलर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। एंड आफ्टर द कोटा रानी देर वॉज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर। मुस्लिम रूल का जो है वो एस्टेब्लिशमेंट हुआ आफ्टर कोटा रानी। ओके सो लेट अस स्टार्ट। सो लोहारा डायनेस्टी का टाइम पीरियड ये है। सम स्कॉलर सेज दैट लोहारा डायनेस्टी जो है वो दो फेजेस में चलती है, फ्रॉम दिस फेज टू दिस फेज। दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ लोहारा डायनेस्टी एंड दिस इज द सेकेंड फेज ऑफ लोहारा डायनेस्टी। सो फाउंडर वॉज संग्राम राजा। संग्राम राजा वॉज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। ओके ही वॉज द नेफ्यू ऑफ दीदा, दीदा का नेफ्यू था। एंड ही रूल्ड लोहारा डायनेस्टी का रूल जो है 1003 से लेके 1339 में, 1339 में जो है मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश होता है। शाह मीर डायनेस्टी आती है यहाँ पे। ओके सो द हिस्ट्री ऑफ लोहारा डायनेस्टी वॉज अ रिकॉर्ड ऑफ शेमलेस लस्ट दैट इज फुल ऑफ क्रुएलिटी मिस रूल ऑन द पार्ट ऑफ किंग एंड क्वीन। सो इट वॉज नॉट सो फेमस और इट वॉज नॉट सो पॉपुलर रूल। ओके सो संग्राम राज एज वी डिस्कस ही वॉज द फाउंडर ऑफ द लोहारा डायनेस्टी। ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। इसके टाइम पीरियड में द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय हिज प्राइम मिनिस्टर पीएम तुंगा। तुंगा वॉज ऑल्सो वर्क अंडर क्वीन दिद्दा। ओके ही वॉज वेरी प्रोमिनेंट ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड। देर वॉज रिवोल्ट ऑफ ब्राह्मण्स मिनिस्टर्स एंड बट इट वॉज सप्रेस्ड बाय यू कैन से दैट तुंग। ओके इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ संग्राम राजा। संग्राम राजा के टाइम पीरियड में देर वॉज इन्वेजन ऑफ महमूद ऑफ गजनी ओवर इंडिया। हमने डिस्कस किया था कि 17 टाइम जो है महमूद ऑफ गजनी ने इंडिया में इन्वेड किया है। ओके एंड इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ संग्राम राजा कश्मीर वॉज प्रॉपरली डिफेंडेड। ओके एंड हु वॉज द इंस्ट्रूमेंटल दैट इज तुंग। वेन तुंग ही वॉज कमिंग फ्रॉम यू कैन से दैट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ही वॉज किल्ड। ओके एंड एट इज अनदर इम्पॉर्टेंट पर्सन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ महमूद ऑफ गजनी दैट वॉज हिंदू शाही रूलर्स। ओके ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर दे पुट अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द महमूद ऑफ गजनी बट कुड नॉट सक्सेसफुल, हुए नहीं। ओके त्रिलोचन पॉल वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दैट वॉज हिंदू शाही किंगडम हु वॉज सपोर्टेड बाई लोहारा डायनेस्टी। ओके एंड ड्यूरिंग दिस टाइम देर वर कॉन्टिन्यूड इन्वेजन ऑफ महमूद ऑफ गजनी। ही इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम, 17 टाइम जो है इंडिया में इसने इन्वेड किया, 17 टाइम महमूद ऑफ गजनी। ओके देन आफ्टर द संग्राम राजा, आफ्टर द डेथ ऑफ संग्राम राजा देर वर वीक रूलर्स हरी राजा एंड अवंता। अवंता के टाइम पीरियड में हिज वाइफ वॉज डोमिनेट सूर्यमती। बोथ वर कॉवर्ड वीक एंड अटरली अनेबल टू रूल द स्टेट विच रिजल्टेड इन टू कंफ्यूजन क्योस फ्रस्ट्रेशन एंड मिस रूल। ओके एंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ सूर्यमती द एक्चुअल रोल प्लेड बाय हलादार। हलादार प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। ओके देन देर इज अनदर रूलर दैट इज कलश। कलश ही इंट्रोड्यूस सर्टन रिफॉर्म्स, कंट्रोल स्टेट बजट, रिमूव फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, स्ट्रिंजेंसी को रिमूव किया। ओके ही कोलैबोरेटेड ऑफिशियल्स, गलत लिखा हुआ है, करप्टेड नहीं है, ही सपोर्टेड ही कोलैबोरेटेड ऑफिशियल्स एंड रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। ही आल्सो सपोर्टेड बाय सम एबल मिनिस्टर्स।
some able minister like Varman and your that is Kandarpa, but during this rule, his rule, he had not having a good relation with his son Harsh, who was already declared as a successor by whom? By the father of Kalash. उसके दादे ने उसको ऑलरेडी उसका सक्सेसर डिक्लेयर किया हुआ था. ही कंस्पायर मैनी टाइम्स बट सो मेनी टाइम्स ही वॉज गिवन मर्सी. ओके नाउ द हर्ष हर्ष जो है ही वॉज एन एपिटोम ऑफ आइकनोक्लाज्म एंड एग्जैक्शन. ओके सो व्हाट यू मीन बाय आइकनोक्लाज्म? इट इज अ सोशल बिलीफ विच चैलेंज्ड which believe in the destruction of icons and other images of monuments, okay, due to several reasons, religious reason or political reasons, okay, and people who engaged in support of iconoclasm are known as iconoclast, and Mahmud of Ghazni को भी हम iconoclast बोलते हैं. iconoclasm क्या कौन सी philosophy है? Challenging cherished belief and venerated institution on the grounds they are erroneous and pernicious. मतलब आउटडेटेड चीजों को चैलेंज करना, दैट इज आइकनोक्लास्ट. ओके हर्ष वॉज अ मैन ऑफ, बड़ा रंगीन किस्म का आदमी था, बहुत खर्चे वर्चे करता था, एक्स्ट्रावेजेंट हैबिट्स, हिज लैविश लाइफस्टाइल सून एग्जॉस्टेड द रॉयल ट्रेजरी, ही स्टार्टेड प्लंडरिंग द ट्रेजर्स ऑफ द टेम्पल, सो ही ऑल्सो प्लंडर्ड टेम्पल्स, ही ऑल्सो डिमोलिश टेम्पल्स, सो देर वर नॉट ओनली द मुस्लिम रूलर्स हु डिमोलिश टेम्पल्स, देर वर अदर रूलर्स एज वेल, एंड हर्षा वॉज वन ऑफ देम. ओके सो ही वट ही फाइनली मेल्ट द इमेजेस ऑफ गोल्ड सिल्वर इन टेम्पल्स थ्रू आउट कश्मीर. ही इम्पोज न्यू एंड ओप्रेसिव टैक्सिस ऑन द पीपल. ओके तो हर्षा जो है ही वॉज कंट्रोवर्शियल रूलर ऑफ कश्मीर. कश्मीर का कंट्रोवर्शियल रूलर था हर्ष. हर्ष जो है हर्ष के कोर्ट में ही कलहन का फादर जिसका नाम था चंपक. चंपक वॉज अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ हर्ष. इट ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज. ओके सो व्हाट ही डिड हर्षा? ही डिस्ट्रॉय बोथ हिंदू एंड बुद्धिस्ट टेम्पल्स एंड क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग इन ऑफिस ऑफ देवपतन नायक, टेम्पल तोड़ने वाला ऑफिसर, डिस्ट्रॉयर ऑफ गॉड्स. ये इसने एक नया ऑफिस खोला. ड्यूरिंग हिज टाइम देर वॉज प्लेग एंड फेमाइन विच फर्दर वर्सन द सिचुएशन, एंड वट ही डिड ही टू डाइवर्ट द कंडीशन आर टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल. वट ही डिड ही अटैक्ट एंड सप्रेस्ड डामराज. हु वर डामराज? डामराज दे वर द फ्यूडल लॉर्ड ऑफ कश्मीर. डामराज का मेंशन हमें मौर्यन टाइम पीरियड से आता है. ओके ही फेस्ड मैनी ट्रबल्स फ्रॉम डिफरेंट फ्रंट्स. हु हर्षा? देन उछाल इन्वेडेड कश्मीर इन 1101. ही वॉज ज्वाइंड बाई डिसअफेक्टेड नोबल्स बट दे वर डिफीटेड बाई हर्षा. ही वॉज ऑल्सो इन्वेडेड बाय सुसला, ड्रोव अवे हर्षा फोर्सिस फ्रॉम द सिटी एंड फाइनली ही वॉज किल्ड. हर्ष वॉज किल्ड. सो हर्ष के लिए बड़ा सारा ट्रबल था. ओके ही वॉज नॉट सो पॉपुलर रूलर. ही डिस्ट्रॉय टेम्पल्स, ही डिस्ट्रॉय बुद्धिस्ट विहार्स. वाई? बिकॉज ऑफ हिज लैविश लाइफ स्टाइल, बिकॉज ऑफ हिज एक्स्ट्रावेजेंट हैबिट्स. ओके सो फादर ऑफ कलहन चंपका वॉज अ मिनिस्टर ऑफ हर्ष, वाइल कलहन रोड राजतरंगनी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ जया सिम्हा. ये हम बहुत बार कर चुके हैं. एंड ही वॉज द अदर हर्षवर्धन. हर्षवर्धन अनदर रूलर ऑफ कन्नौज. ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर हु रोट रत्नावली, नागनंदा एंड प्रियदर्शिका. ओके सो द सक्सेसर ऑफ हर्षा एंड द सेकेंड लोहारा डायनेस्टी. सेकेंड लोहारा डायनेस्टी इस टाइम पीरियड में आपकी स्टार्ट हुई. ओके आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा उच्छल बिकम द रूलर. ही रिजॉर्टेड टू मैकिविलियन. ओके ओके मैकिविलियन टैक्टिक्स जो है, मैकिविली जो है एक बहुत बड़ा स्कॉलर रहा हुआ है. कहाँ का? वो बहुत बड़ा स्कॉलर रहा हुआ है आपका इटली का. इटली का जो है वो स्कॉलर रहा हुआ है. इसने मैकिविलियन टैक्टिक्स को अडॉप्ट किया. मैकिविलियन टैक्टिक्स क्या है कि
चालाकी से, श्रीउडनेस से थ्रोन को अडॉप्ट करना। मैकेवली ने जो है एक किताब लिखी जिसका नाम था, किताब का नाम था प्रिंस। उसने अपने मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस का फादर भी बोलते हैं मैकेवली को। ओके, मैकेवली ने बोला कि भाई रूल करने के लिए, पावर लेने के लिए कुछ भी रूलर को करना चाहिए। जब पावर नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपके मैकेवली ने जो है वो बोला। मैकेवली ने अलग अलग टैक्टिक्स बताए हुए हैं कि देर आर टोटल 20 अलग अलग मेथड्स बताए हुए हैं पावर को गेन करने के लिए। ओके, सो मैकेवली जो है ही वाज एक श्रीउडनेस की टैक्टिक्स जो है उछाल ने अडॉप्ट की। ठीक है, डामरास वीक हुए और इसने जो है चीजों को जो है एक दूसरे को, लोगों को लड़ा के इसने रूल किया। ओके, एंड ही व्हाट ही डिड, ही यूज्ड वन पर्सन विद अनदर पर्सन। ओके, आफ्टर हिज डेथ देयर वाज सीरीज ऑफ वीक रूलर। ओके, बहुत सारे वीक रूलर्स आए, याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जयसीमा को याद रख सकते हो क्योंकि इसके टाइम पीरियड में कलहन था। ओके, कलहन इसके कोर्ट में था। ओके, एंड डामराज वर द फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ कश्मीर, दे केम इनटू टाइम पीरियड, दे अराइव ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अशोक। ओके, प्रिंस किताब पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कौन सा लिखा मैकेवली ने लिखा। मैकेवली कहाँ का था? इटली का था, इटली का था। ओके, सो नंबर नेक्स्ट इज देन देर इज अनदर कम। ये मैंने शॉर्टकट इसलिए किया हुआ, देयर आर सीरीज ऑफ वीक रूलर्स। ओके, रिंचन जो है अनदर इंपॉर्टेंट रूलर आपका आया। बेसिकली जो है रिंचन जो है ये कहाँ से था? लद्दाख से था, ही वॉज फ्रॉम लद्दाख। ओके, एंड ही वॉज नॉट द फॉलोअर ऑफ, यू कैन से दैट, इंडिजीनियस रिलीजन को नहीं मानता था। जो कश्मीर में उस टाइम पीरियड में हिंदू रिलीजन था और लोग शिव की वर्शिप करते थे, लॉर्ड शिव की वर्शिप करते थे। ओके, सो ओरिजिनली अ प्रिंस ऑफ लद्दाख, ही हैड टू फ्ली फ्रॉम हिज कंट्री फॉर द सेफ्टी आफ्टर द बैटल ऑफ बाल्टीज। ओके, बहुत बड़ा एक वॉरियर था वहां पे लोकल बैटल के बाद जो भाग के कश्मीर आ गया। ही केम टू कश्मीर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ सुहादेव। सुहादेव के टाइम पीरियड में आया, सुहादेव वॉज अनदर रूलर। ओके, ही गॉट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अनार्की एंड कंप्लीट अनार्की, ही गॉट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अनार्की एंड यू कैन से दैट अनार्की एंड लॉलेसनेस क्रिएटेड बाय द इन्वेजन ऑफ द लूचा। इसके टाइम पीरियड में, इससे पहले जो है सुहादेव के टाइम पीरियड में दलूचा ने इन्वेट किया था। ओके, एंड हु वाज दलूचा? दलूचा वाज अ तारतार चीफ। तारतार चीफ जो है मतलब ये दलूचा जो है आपका कहाँ से था? ही वाज फ्रॉम मंगोलिया। ओके, सेंट्रल एशिया। ही इन्वेडेड कश्मीर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ सुहादेव। ही स्टॉक टेरर इन द माइंड्स ऑफ पीपल एंड रेवेज्ड द कंट्री बाय फायर एंड स्वॉर्ड एंड इन्फ्लेक्टेड अनब्यूरेबल मिजरीज ओवर द पीपल ऑफ द कश्मीर। सो ही क्रिएटेड अनार्की एंड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड अनार्की का फायदा जो है किसी ने उठाया? रिंचन ने उठाया। ओके, सो इन ऑर्डर टू विन द सपोर्ट ऑफ द पब्लिक व्हाट ही डिड, इसने एक रूलर था रामचंद्र, उसकी बेटी के, उसकी बहन के साथ शादी की, कोटा रानी के साथ जो है इसने शादी कर ली। इसने रिंचन ने, सो रिंचन का जो है वाइफ कौन ही है? कोटा रानी है। ही एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ शाह मीर के साथ इसने अच्छा, उसकी मदद से अच्छा रूल एस्टैब्लिश किया। बुलबुल शाह जो है, मीर बुलबुल शाह वाज हिज स्पिरिचुअल गुरु। ओके, बुलबुल शाह वाज हिज स्पिरिचुअल गुरु। शाह मीर की हेल्प से इसने एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो एस्टैब्लिश किया। ही वाज फ्रॉम लद्दाख। ठीक है, सुहादेव के टाइम पीरियड में आया था। क्यों आया था? दलूचा के टाइम पीरियड में क्या हुआ था? दलूचा के टाइम पीरियड में लॉलेसनेस क्रिएट हुई थी। ओके, सो रिंचन जो है इसी के टाइम पीरियड में सूफीज मिशनरीज भी आए। रिंचन ये चाहता था कि वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो। व्हाट ही डिड, इसने क्या किया? ही वॉज अ सूडो बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट था बेसिकली, वॉन्टेड टू ज्वाइन हिंदुइज्म टू स्ट्रेंथन हिज पोलिटिकल बेस इन कश्मीर वैली। सिंस शैविज्म जो है वो पॉपुलर रिलीजन था, ही अप्रोच देवस्वामी। देवस्वामी जो है रिलीजियस हेड था, लॉर्डशिप के जितने भी पुजारी थे, लॉर्डशिप को फॉर्मने वाले जितने भी लोग थे, ही वॉज द हेड, तो इसने उसको अप्रोच किया। सो रिंचन जो है ही अप्रोच्ड देवस्वामी के, भाई मुझे कन्वर्ट होना है, इनिटेशन इन टू हिंदू फोल्ड, बट दे रिफ्यूज हिम। उसको रिफ्यूज कर दिया, बोला कि तुम लोअर बर्थ से बिलोंग करते हो, यू आर नॉट पर्सन ऑफ हाई बर्थ, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गेट यू इनटू द हिंदुइज्म। सो व्हाट ही डिड विद द कंसल्टेशन ऑफ कश्मीरी पंडित, देवस्वामी रिफ्यूज्ड। उसने बोला सॉरी नहीं कर सकते, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिंचन इनटू हिंदुइज्म। सो व्हाट ही डिड एट द हैंड्स ऑफ बुलबुल शाह, बुलबुल शाह ने उसको कन्वर्ट किया इस्लाम में।
एंड ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ सुल्तान सदरुद्दीन शाह. ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर रिंचन. और सूफीज कब आए इंडिया में, कश्मीर में? मिडल ईस्ट से आए, सेंट्रल एशिया से आए. इसके टाइम पीरियड में 14th सेंचुरी में जो है कश्मीर में आए. ओके, एंड देर वॉज अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन बिटवीन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ रिंचन. अभी इस्लाम डोमिनेंस नहीं था इस्लाम का. ओके, सो रिंचन वॉज कन्वर्टेड इन टू इस्लाम, इस्लामिक इस्लाम में कन्वर्ट किया बुलबुल शाह ने. ओके, सो रिंचन जो है, व्हाट ही डिड, ही रीनेम श्रीनगर एज अ रिंचन पूरा. और वहां पे एक मॉस्क भी बनाई, बिल्ट अ मॉस्क नोन एज बड़ मस्जिद, मस्जिद मसीद मसीद बड़ मस्जिद बनाई, और बड़ी मस्जिद बनाई, मस्जिद मीन मॉस्क, ऑन द साइट ऑफ अ बुद्धिस्ट टेम्पल. एक बुद्धिस्ट टेम्पल की जगह बनाई, खुद ये इनिशियली बुद्धिस्ट था. ओके, इट वॉज द फर्स्ट मॉस्क टू बी बिल्ट इन कश्मीर. He was an, he built another mosque that is alike, कदल भी बनाया. He built a खानका in honor of his spiritual mentor, बुलबुल शाह. एक श्राइन भी बनाई on the bank of river झेलम. He was succeeded by उद्यान देवा. उद्यान देवा के बाद जो है इसको जो है इसके बाद वो रूलर बना. और इसके इसकी वाइफ जो थी वो थी कोटा रानी. ओके, कोटा रानी. सो कोटा रानी जो है शी वॉज विजनरी लेडी इन दैट सेंस. इन ऑर्डर टू सेव हर लाइफ एंड ऑफ कोर्स द लाइफ ऑफ हर सन, व्हाट शी डिड, इसने उदयन के साथ शादी कर दी. सो इन अदर वर्ड्स, शी वॉज द विडो ऑफ रिंचन, नाउ बिकम द वाइफ ऑफ उदयन. ओके, बुलबुल शाह वॉज अ सूफी सेंट ऑफ सोहरावर्दी ऑर्डर. सोहरावर्दी ऑर्डर का सूफी सेंट था. ऑर्डर मतलब सिलसिला. ओके, ये मिडिवल इंडिया में हम पढ़ते हैं. बड़े सारे पॉपुलर सिलसिला हुए हैं, जैसे चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, देन नक्शबंदी सिलसिला, देन नंद ऋषि, नंद सिलसिला. ओके, ऋषि सिलसिला. ओके, नंद ऋषि उसका, ऋषि सिलसिला का प्रोमिनेंट था. ही इंट्रोड्यूस इस्लाम इनटू कश्मीर बाय इनवाइटिंग एंड कन्वर्टिंग किंग ऑफ कश्मीर रिंचन इनटू इस्लाम. सो इट वाज अ बिग थिंग एट दैट टाइम. ओके, सो कोटा रानी जो है उदयन के बाद जो है शी बिकम द रूलर. शी बिकम रूलर फॉर ओनली 1 ईयर. शी रूल्ड फॉर ओनली 1 ईयर. शी वॉज फर्स्ट अपॉइंटेड. इनिशियली जो है वो जो रिंचन का बेटा था उसका एक रीजेंट अपॉइंट हुई. शी वॉज अ विडो ऑफ रिंचन एंड उदयन, जैसे हमने डिस्कस किया. बट शी वॉज नोन एज अ विडो ऑफ रिंचन. शी डिस्प्लेड ग्रेट एबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग द अफेयर्स ऑफ द किंगडम, बट शी वॉज नो मैच फॉर शाह मीर. शाह मीर का मुकाबला नहीं कर पाई. शाह मीर जो है ही वॉज ही रिमेन मिनिस्टर इवन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ रिंचन, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ उदयन, एंड फाइनली ही वॉज ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ कोटा रानी. एंड कोटा रानी के टाइम पीरियड में ही गॉट अपॉर्चुनिटी एंड ही एस्टैब्लिश हिज रूल. ओके, शी वॉज अ ग्रेट थिंकर. शी सेव्ड द सिटी ऑफ श्रीनगर फ्रॉम फ्रीक्वेंट फ्लड बाय गेटिंग कैनाल कंस्ट्रक्टेड नेम आफ्टर हर, दैट इज क्यूट कनाल. ओके, कूट कनाल. कूट कनाल एक किसने बनाई, क्यूट में ही है ये कूट है. ओके, सो दिस कैनाल गेट वाटर फ्रॉम झेलम रिवर एट द एंट्री पॉइंट ऑफ द सिटी, और बाद में जो है दोबारा से बियॉन्ड द सिटी हुआ. मतलब सो यहाँ से रिवर जो है निकाली गई जैसे सिटी के बाद, जो है जैसे ही जो है फिर से ऐड की गई. ओके, शी वॉज रिप्लेस्ड बाय शामीर विच लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम सल्टनत इन कश्मीर. सो विद दिस वी कंप्लीटेड एंशंट कश्मीर. एंशंट कश्मीर जो है हमारा कंप्लीट होता है, एंड देर इज राइज ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर इन 1339. ओके, सो लोहारा डायनेस्टी हमने डिस्कस की. लोहारा डायनेस्टी के प्रोमिनेंट पर्सन कौन कौन से हैं, दैट इज संग्राम देवा. संग्राम देवा जो है वो फाउंडर है. कलश को आप भूल सकते हो, नो नीड टू रिमेम्बर हिम, बट यू हैव टू रिमेम्बर हर्ष. हर्ष एज एन आइकनोक्लास्ट. ओके, देन उसके बाद जो है दलूचा. दलूचा दलूचा जो है मंगोलियन क्लैन से था जिसने कश्मीर पे अटैक किया और इसका फायदा उठाया. रिंचन ने फायदा उठाया. ही बिकेम द किंग, और इसकी वाइफ ही थी कोटा रानी. रिंचन गया, भाई मुझे क्या करना है, पॉलिटिकल टूल था कि भाई मुझे क्या करना है, हिंदू फोल्ड में आना है. लेकिन उसको इनकार हुआ कि नहीं बन सकते. एंड फाइनली ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ही केम इनटू कांटेक्ट विद बुलबुल शाह. बुलबुल शाह जो है ही वाज अ सूफी सेंट जिसने रिंचन को कन्वर्ट किया इस्लाम में. सो इन दिस वे रिंचन बिकेम द फर्स्ट
मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये आएगा भाई, बता रहा हूं मैं पहले ही। ओके सो एंड फाइनली कोटा रानी जो है, शी वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोहारा डायनेस्टी, शी वॉज रिप्लेस्ड बाय शाहमीर डायनेस्टी। ओके शाहमीर ने अपने नाम की ही डायनेस्टी स्टार्ट की 1339 में। इट लेड टू द फर्स्ट मुस्लिम रूल इन कश्मीर। थैंक यू सो मच। सो यू, दिस इज मी कश्यप शर्मा एंड यू आर वॉचिंग हिस्ट्री फॉक्स चैनल। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर हिस्ट्री फॉक्स चैनल टू द मैक्सिमम, एट लीस्ट 100 लोगों के साथ शेयर करना है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक कोरोना वायरस।